तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो एमिरेट्स से D20 टूर्नामेंट खेला जा रहा है, इसका भाई जो आज के दिन का पहला मैच है और टूर्नामेंट का 11वां मैच है भाई। अब फिर पता नहीं 12वां 13वां मैच है, कौन सा मैच है। तो आज का दिन का भाई पहला मैच खेला जाएगा शारजा वर्सेज फुजायरा के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। बात करें दोनों टीम्स की तो दोनों टीम्स ने अभी तक इस टूर्नामेंट में बेहद शानदार परफॉर्मेंस दी है। और यहाँ पर फुजायरा की बात करें तो भाई ये अभी तक एकमात्र अनडिफिटेड टीम है टूर्नामेंट के। और शारजा की बात करें तो भाई इन्होंने भी 4 मैच में से 3 मैच विन कर रखे हैं। और फुजायरा की बात करें तो भाई 4 में से 4 मैच विन कर रखे हैं। और आज इन दोनों टीम्स में से कौन जीतेगा उसकी बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे कौन सी टीम के कौन से प्लेयर्स आपके लिए कुछ जबरदस्त परफॉर्मेंस दे सकते हैं और कौन से प्लेयर आपके लिए बिल्कुल फ्लॉप साबित हो सकते हैं, जिनके मतलब जिन्हें हम ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले भाई अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके और जब देखना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके वीडियो लाइक करने से यार पैसा नहीं मिलता, मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन से बड़ा कुछ नहीं है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक बात और बता दूं, जो भी हम इस मैच की फाइनल टीम रहेगी ना वो आपको मिलेगी आफ्टर टॉस आफ्टर लाइनअप्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल तक आना भी आपका काम है। और भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने अभी तक डिस्क्रिप्शन चेक नहीं किया तो अभी के अभी आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक एक प्लेयर की बात करेंगे लेकिन उससे पहले भाई यहाँ पर देख लेते हैं दोनों टीम्स की लास्ट मैचेज की परफॉर्मेंस क्या कुछ रही है। 13वां मैच है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं 13वां मैच है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो भाई शारजा ने लास्ट मैच में अबू धाबी की टीम को हराया था और काफ़ी बड़े अंतर से हराया था, मतलब 160+ का टारगेट भाई सिर्फ 17 ओवर में इन्होंने चेस डाउन कर दिया था। इसका क्रेडिट जाता है भाई यहाँ से फैज अहमद को, क्योंकि काफी खतरनाक नॉक खेल के गया था बंदा। अब्दुल शाकुर की बात करें, ओपनिंग की अच्छी खासी शुरुआत दी टीम को, 25 बॉल पर 41 रन बनाए। इसके अलावा खालिद शाह ने 9 बॉल पर 11 रन बनाए। फैज अहमद वन डाउन बैटिंग करने आया, 24 बॉल पर 52 रन की तूफानी पारी खेल कर गया। इसके अलावा वासिल हमीद ने यहाँ पर 14 रन बनाए, प्लस भाई बॉलिंग भी करते हैं वासिल हमीद। बॉलिंग तो भाई खालिद शाह भी कर लेता है, फैज अहमद भी कर लेता है, बट लास्ट मैच में इन्होंने करवाई नहीं। अमजाद गुल की बात करें तो भाई इन्होंने 25 रन बनाए। आयान खान की बात करें तो भाई इन्होंने यहाँ पर 10 रन बनाए। अब गेंदबाजी पर आ जाइए तो गेंदबाजी भी यहाँ पर काफ़ी शानदार रही थी। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए भाई इनकी तरफ से जाहूर खान ने 4 ओवर कंप्लीट डाले, 43 रन देकर 1 विकेट निकाला। इसके अलावा दानिश कुरैशी ने 1 विकेट निकाला, मोहम्मद जाहिद ने यहाँ पर 3 ओवर में 1 विकेट निकाला, वासिल हमीद ने 2 ओवर में 1 विकेट निकाला। आयान खान नंबर 6 पर बैटिंग करने आए थे भाई और यहाँ पर मतलब कितने ओवर डाले भाई, 3 ओवर भी डाले, हालांकि मतलब विकेट लेस गए। इसके अलावा जो साजिद मालूक है इन्होंने 4 ओवर में 3 विकेट जरूर से जरूर निकाले थे। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ डेथ ओवर में गेंदबाजी करेगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से रहने वाला है। अब अगर बात करें सामने वाली टीम की यानी फुजायरा की, तो फुजायरा की टीम भी भाई यहाँ पर लास्ट मैच 6 ही विकेट से विन करके आ रही है। इनकी तरफ से बात करेंगे इनके कैप्टन की मोहम्मद वसीम की, भाई लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है और भाई बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट देने के लिए जाना जाता है। इस मैच में भाई इसने 34 रन बनाए। हमदान ताहिर भाई रह रखे अच्छी खासी नोक खेलता है, मतलब बहुत बड़ा कोई हिटर नहीं है बॉल का, बट भाई फिर भी काफ़ी मैचेज में मतलब रह रखे काफ़ी शानदार नोक खेल देता, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। विकेट कीपिंग सेक्शन में 6 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा उस्मान खान यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाज है, हालांकि काफ़ी स्लो इनिंग खेली, इतनी स्लो इनिंग खेलने के लिए जाना नहीं जाता ये भाई। अगर 42 रन बनाएगा तो भाई 20 से 25 बॉल के बीच में मारकर चला जाएगा। यहाँ पर 40 बॉल पर 42 रन इन्होंने बनाए। रोहन मुस्तफा ने 1 रन बनाया, नंबर 4 पर बैटिंग करने आया था। आसिफ खान की बात करें तो भाई 25 बॉल पर 54 रन की बेहतरीन नोक इन्होंने खेली। इसके अलावा अगर बात करें तो विष्णु सुकुमारन ने 7 बॉल पर 13 रन बनाए, 7 बॉल पर 15 रन बनाए, गजब की नोक भाई इन्होंने भी यहाँ से खेली थी। अब अगर बात करें इनकी भी गेंदबाजी की, तो यहाँ पर भाई गेंदबाजी की बात करें तो काशिफ दाऊद जो बेहतरीन ऑलराउंडर भाई, इन्होंने यहाँ पर 3 विकेट निकाले। साकिब मंसद की बात करें तो 1 विकेट इन्होंने निकाला। उमेर अली ने यहाँ पर 1 विकेट निकाला, मारूफ मर्चेंट ने 1 विकेट निकाला। इसके अलावा भाई जाहिद अली यहाँ पर विकेट लेस गए, रोहन मुस्तफ़ा ने भी 1 विकेट निकाला। अब यहाँ से भाई मोहम्मद वसीम सबसे बड़ी बात इस मैच में गेंदबाजी इन्होंने नहीं करवाई, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि देखिए इनकी गेंदबाजी काफ़ी शानदार रहती है मोहम्मद वसीम की, प्लस ओपनिंग करता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो अगेन भाई यहाँ पर भी भाई इसने गेंदबाजी नहीं करवाई है, तो ये एक भाई थोड़ा सा मतलब हैरान करने वाला
मूव लग रहा है यहाँ पर फुजैरा की तरफ से। ऊपर अगर फिर बात करें भाई, यहाँ पर अगर फिर भी हम देखें तो भाई यहाँ पर भी मोहम्मद वसीम ने गेंदबाजी नहीं करवाई, ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ी ध्यान में रखिएगा। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं डेमो टीम की, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूँ जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहाँ से डेमो टीम के बारे में। सबसे पहले भाई बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो ऐसे भाई अब्दुल शाकुर रमदान ताहिर दोनों को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ, या फिर आप यहाँ पर खालिद शाह को भी ट्राई कर सकते हो। अगर थोड़ा सा डिफरेंशियल आपको जाना है तो आप यहाँ से अब्दुल शाकुर को ड्रॉप कर सकते हो, बट भाई इनको ड्रॉप करना यानी कि भाई बहुत बड़ा रिस्क, ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, या फिर अगर आप रखना चाहो तो आप इसे रख भी सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ से अब्दुल शाकुर के ऊपर थोड़ा सा रिस्क लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि खालिद शाह भाई ज़्यादा नीचे नहीं वन डाउन बैटिंग करने आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो विष्णु सुकुमारन को आप ट्राई कर सकते हो, उस्मान खान 100% हमारी टीम में रहेंगे। इसके अलावा आसिफ खान को मैं अपनी टीम में रखूंगा। बासिल हमीद बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे रहा है, 100% हमारी टीम में रहेगा। इसके अलावा भाई फैज अहमद को आप जरूर से टीम में रख सकते हो, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों मतलब अच्छी खासी कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें हसन इसकेल की, तो अकेल एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है आपके लिए, 100% ट्राई कीजिएगा। उमर अली की बात करें, गेंदबाजी में भाई लगातार आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता दिखेगा, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए भाई यहाँ से अगर बात करें तो आप फैज अहमद को ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखते हैं फाइनल टीम में, हो सकता है मैं कुछ चेंजमेंट करता नजर आ जाऊँ और उस टाइम मैं इसको ट्राई कर लूँ। मोहम्मद वसीम की बात करें तो 101% हमारी टीम में रहेगा। रोहन मुस्तफ़ा 101% हमारी टीम में रहेगा। अब यहाँ पर आयान खान और काशिफ दाऊद को हमें ट्राई करना है, तो भाई यहाँ से खालिद शाह को भी मैं ड्रॉप करूँगा। और फिर भाई देखिए सेफ जाना हो तो भाई आप यहाँ से बिल्कुल सेफ जाना, तो भाई अब्दुल शाकुर अदरवाइज हमदान ताहिर, अभी के लिए मैं हमदान ताहिर के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें तो भाई अब मैं यहाँ से काशिफ दाऊद को अपनी टीम में लेकर जा रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो आयान खान को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। गेंदबाजी की बात करेंगे तो यहाँ पर भाई आपके लिए दानिश कुरैशी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर भाई जाहिद खान इंपॉर्टेंट रहेगा, और अगर सिमरनजीत सिंह कांग खेलता है तो इंपॉर्टेंट रहने रहने वाला, अगर नहीं खेलता तो भाई फिर बात अलग है, फिर भाई आप यहाँ से मोहम्मद जाहिर के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो मेरी टीम की बात करें तो कुछ इस प्रकार की टीम भाई अभी के लिए मेरी होने वाली है। बाकी अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट होता है तो उसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। सी वी सी की ऐसे बात करेंगे भाई, कैप्टनसी में रोहन मुस्तफ़ा को देकर चलूंगा। वी सी की अगर बात करें तो उस्मान खान को मैं अपनी टीम को वी सी लेकर चल रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो वासिल हमीद को भी ले सकते हो, वसीम मोहम्मद या फिर मोहम्मद वसीम को भी ले सकते हो, बट भाई मोहम्मद वसीम गेंदबाजी नहीं कर पा रहा इसीलिए थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, बट अभी के लिए मैं यहाँ से भाई उस्मान खान को अपनी टीम में एज ए वीसी लेके जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई अगर ये मारने पर आ गया तो भाई बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और बहुत ही बुरे तरीके से बनाएगा। अभी के लिए मेरी टीम की बात करें तो कुछ इस प्रकार की रहेगी। जो भी मेरी फाइनल टीम होगी, जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, जल्दी से जल्दी जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।